सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा में हमारी जनसंख्या कम नहीं है, फिर भी हमें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी जा रही। ये बातें जोगी समाज के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह छतेरा ने समाज की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जोगी समाज में संगठन की कमी के कारण विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा हम जोगी समाज को उपेक्षित नजरों से देखा जा रहा है। छतेरा ने कहा कि जोगी समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ताकि हम अपने उपेक्षित समाज को विकास की धारा से जोड़ सकें। समाज का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण हो रहा है। प्रदेश में जोगी समाज को एक सूत्र में बांधकर संगठन को मजबूत करने पर बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जोगी समाज की आबादी पूरे हरियाणा में 2% है, उसके बावजूद कोई भी राजनीतिक दल सम्मानित हिस्सेदारी नहीं दे रहा। हमने आज बैठक कर पूरे प्रदेश में जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। उसके बाद हम सरकार को बताना चाहेंगे कि प्रदेश में हमारी ये स्थिति है, हमें भी राजनीति में हिस्सा और हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ताकि जोगी समाज भी आगे बढ़ सके। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। महत सिंह पट्टी कल्याणा, अखिल भारतीय जोगी योगीनाथ उपाध्याय समाज रजिस्टर। और मैं इतना ही अनुरोध करता हूँ कि जो हमारा स्ट्रक्चर है हमारे समाज का, जोगी समाज का, वो बैकवर्ड पिछड़ी जाति के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर डीएनटी में लेके आई, उसमें हमें कुछ सुविधाएं देनी शुरू की और उन्हीं सुविधाओं को हमारे से वंचित किया गया, जो पूरे समाज में एक तरह से भारी रोष है। जो 5% की बात हमारे प्रधान जी ने कही है वो बिल्कुल सही है, अगर वो दिया था तो एज इट इज लागू रखे, ना दिया वो तो एक लेने के लिए हमारी मांग जारी। तो जो डीएनटी की सुविधाएं हैं जो दी थी सरकार ने वो एज इट इज जारी रखे और सुविधाएं देने का प्रयास कर। तो आज आप लोगों ने एक इस पे हमारी मीटिंग है, वो हम सर्वे के माध्यम से अपनी जाति का विश्लेषण करके सरकार को अवगत कराएंगे पूरे हरियाणा के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर हमारी क्या स्थिति है, और उन जो सर्वे है उसके अंदर हमारा कुछ सामाजिक काम निकले, उस काम की हम शुरुआत करना चाह रहे हैं, जो सामाजिक काम है के ताकि लोगों को उसके प्रति, जो सरकार सुविधाएं देती है उसके प्रति लोगों को जागरूक करें ताकि वो सुविधाएं प्राप्त करने में सक्षम। मैं उमेश सिंह छतेरा, हमारा अखिल भारतीय जोगी योगीनाथ उपाध्याय समाज सेवा संगठन रजिस्टर 1825 का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज जो हमने मीटिंग बुलाई है वो एक ही उद्देश्य है मेन, कि आज तक हमारी जनगणना नहीं हुई है। जितनी भी सरकारें आई चली गई, सरकारों ने आज तक कोई भी शुद्धि नहीं ली है आगे जोगी समाज की कोई जनगणना कर ले। हम ये देखना चाहते हैं हमारे टोटल वोट आखिर है कितनी, गिनती कहीं भी नहीं करती सरकार। तो हमने एक कदम उठाया, पहल की है सबसे पहले कि हम डोर टू डोर घूमेंगे पूरे हरियाणा में अपने जोगी समाज की, एक एक वोट, कितनी वोट है, कितने गवर्नमेंट जॉब पे हैं, कितने के पासपोर्ट बने हुए हैं, कितने बीपीएल हैं, तो ये सब कार्रवाई की जाएगी डोर टू डोर घूम के। तो आज हमने शुरुआत की है और मैं चाहता हूं कि हमारे जो कि समाज की हमारी जो टीम है बहुत ही सक्रिय टीम है, बहुत ही ईमानदार, मेरे से ज्यादा ईमानदार और मेरे से ज्यादा मेहनती है। ये लोग कंधे से कंधा मिलाकर मेरे चलते हैं, हमारे मासी जो हैं, हमारे उपप्रधान हैं। छतेरा जी, जो आप जाति आधारित जनगणना जो आप करवाने जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? उद्देश्य ये है जी, हमने सबसे हमारा मेन उद्देश्य यही है कि राजनीति में भागीदारी, भागीदारी जब होगी हमारी वोटों की गिनती कम से कम हो, हम ये तो रो सके सरकार के सामने, अपनी गुहार तो लगा सके कि हमारी इतनी वोटें हैं। हमारे कोई भी जाति ऐसी नहीं है आज जिसका राज्य में भागीदारी नहीं, एक जोगी समाज ऐसा जिसकी राज्य में भागीदारी नहीं है। तो हम सरकार को गुहार लगाएंगे कि हमारी इतनी वोटें हैं और हमारा समाज इतना है, हमें राज्य में भागीदारी चाहिए जी। मैं उमेश सिंह छतेरा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, मैं अपने पर मन वचन कर्म से एक बात कहना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ मैं अपने समाज को कि संगठन चाहे कोई भी हो, अगर कोई भी सरकार हमारे जोगी समाज के किसी भी लड़के को इस लायक समझे कि टिकट दी जाए
तो किसी भी संगठन का वो सदस्य हो, कैंडिडेट हो, हमने कोई दिक्कत नहीं है, तन मन धन और जी जान से हम उसके साथ खड़े होंगे। पूरा का पूरा जो कि समाज एक पार्टी बन जाएगा नहीं, लेकिन पहल तो करे सरकार, कोई सरकार पहल तो करे, लेकिन आज तक जो दिल्ली नहीं है तो पूरे हरियाणा में आपके समाज की कोई भागीदारी है राजनीति में नहीं है।